बच्चों बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज, ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था, यहीं से हम दोबारा से इसे कंटिन्यू करेंगे और आज इसको कंप्लीट करेंगे अलोंग विद रेगुलेशन। सो जिन बच्चों को लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, एक तो आवाज नहीं आनी चाहिए, दूसरा ये कि आपने अटेंटिव रहना है ताकि लास्ट लेक्चर में कंफ्यूजन आगे ना। अभी तक जो हमने प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंदर लाइट एंड डार्क रिएक्शंस पढ़े हैं, उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट्स। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर या तो आपके पास G3P विच इज एन एंडोट्रायोज, ये प्रेजेंट है, या फिर इसकी आइसोमेरिक फॉर्म जो कि एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज ने प्रोड्यूस की है, विच इज डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, जो कि क्या है, कीटो ट्रायोज। So we can say कि products are light and dark reactions या products are photosynthesis, आपके पास किस form में है, ट्रायोज फॉस्फेट। So last lecture में हमने थोड़ा सा ये देखा था पहला step कि इन enzymes की मदद से आपकी ये ट्रायोजिस सबसे पहले convert होगी किसमें, hexose phosphate में, और उसके बाद ये हेक्सोज फॉस्फेट किस तरह से स्टार्च एंड सुक्रोज बनाए, ये हमारा आज का लेक्चर है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमने डिस्कस करना है नाउ वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट इनटू हेक्सोज फॉस्फेट। सो ये स्टेप कितने प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे, किस तरह से आपके पास ये स्टेप होगा, कुछ हद तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और उन्हीं स्टेप्स को हम आज भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ट्रायोसिस से हेक्सोज की कन्वर्जन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एंडोट्रायोज एंड कीटोट्रायोज। ठीक है, एंडोट्रायोसिस तो आपके पास स्टोमा में पड़ी हुई है, G3P केल्विन साइकिल की प्रोडक्ट है। सो द वेरी फर्स्ट एंजाइम इस प्रोसेस का, अब मैं सिर्फ इस प्रोसेस को डिस्कस कर रही हूं, इस प्रोसेस का वेरी फर्स्ट एंजाइम कौन सा होगा, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ एंडोट्रायोज को कन्वर्ट करेगा कीटोट्रायोज में, बिकॉज क्यों करेगा, बिकॉज हमें ट्रायोसिस को हेक्सोसिस में कन्वर्ट करने के लिए एल्डो के साथ साथ कीटो ट्रायोज की भी जरूरत है। सो पहले आपके पास एल्डो ट्रायोज एंड कीटो ट्रायोज प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज हमें ट्रायोसिस को हेक्सोसिस में कन्वर्ट करने के लिए ट्रायोसिस दोनों रिक्वायर्ड है, एल्डो एज वेल एज कीटो। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड एंजाइम है, अभी हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं किसकी, ट्रायोसिस की, किसमें, हेक्सोसिस में। मुदस्सिर अगर लेक्चर वहां पे हो रहा है तो आपके पास ये सब यहाँ पे देखना है, इधर देखना है, बाद में देखना। सेकेंड एंजाइम आपके पास है एल्डोलेज एंजाइम, और एल्डोलेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, उसने इस कीटो ट्रायोस के साथ साथ इस एल्डो ट्रायोस को भी यूज करना है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सेकेंड शुगर जो ये यूज करेगा वो कौन सी होगी, एंडोट्रायोज, और इस केस में चूंकि ट्रायोसिस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये होगी कंडेंसेशन करवाएगा। ये सारे एंजाइम मैं बहुत दफा करा चुकी हूँ, इसलिए आप लोग सिर्फ इसको फॉलो करोगे कि रिएक्शन कैसे, और इसके बाद आपके पास 6 कार्बन शुगर बनेगी। And this sugar will be a keto sugar. But
इस केस में जो कीटो शुगर आपके पास बनेगी वो बिसफॉस्फेट उसके साथ अटैच। दिस इज फ्रुक्टोज एंड निशान, समझ आ रही है? 1,6 बिसफॉस्फेट एंड देन वी हैव एन एंजाइम इन स्टोमा एंड इन साइटोसोल जो कि इससे रिमूव कर सकता है क्या चीज, फॉस्फेट एंड दिस इज फॉस्फेटेज। विच वन? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है, जो कि यहां से फॉस्फेट रिमूव करता है फ्रॉम कार्बन नंबर 1 और इस 6 कार्बन शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं चाहिए बिकॉज स्टार्च में भी ग्लूकोज चाहिए होती है और सुक्रोज में भी एक ग्लूकोज रिक्वायर्ड होती है। सो फ्रुक्टोज को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम? ग्लूकोज में। और इसके लिए आपके पास एक और एंजाइम यूज होगा, तो ये एंजाइम कौन सा है? आइसोमेरेज। और कौन सा आइसोमेरेज है? हेक्सोज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, ठीक है, जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बजाय एक तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी चाहिए। यहां तक आपके पास ये जो फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ट्रायोसिस इनटू हेक्सोसिस ये कंप्लीट हो चुका है। अब प्लांट सेल्स के अंदर बहुत से पाथवेज हैं जिसमें ग्लूकोज लगता है। उसमें एक पाथवे है स्टार्च बायोसिंथेसिस का, एक पाथवे है सुक्रोज बायोसिंथेसिस का और एक पाथवे आपके पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसे हेक्सोज फॉस्फेट शंट भी कहते हैं। ये तीन पाथवेज हैं जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली भी यूज हो सकता है या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद भी यूज होगा। लेकिन एक दफा ट्रायोसिस हेक्सोसिस में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद ये आगे इन 3 से 4 पाथवेज के अंदर कंज्यूम हो सकते हैं। सो ये वाले स्टेप आपके कॉमन स्टेप्स हैं ट्रायोसिस से हेक्सोसिस का बनना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब आपकी ये हेक्सोसिस किस तरह से स्टार्च बनाती है, किस तरह से सुक्रोज में कन्वर्ट होती है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च। अब हम मूव करेंगे कहां पे? बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च बायोसिंथेसिस के लिए सबसे पहली जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं चाहिए। जो भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था उससे पहले कन्वर्ट करवाया जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। यहाँ पे मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कन्वर्जन होगी किसकी? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। This is alpha D glucose और इसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर अभी फॉस्फेट अटैच है ना? Now we have an enzyme mutase phospho ग्लूको म्यूटेज जो कि इस फॉस्फेट को कार्बन नंबर 6 से उठाकर उस पे लगा सकता है 1 पे। तो अब हमारे पास जो शुगर आएगी बिकॉज फॉस्फेट ओएच की जगह पे अटैच होता है
तो यहाँ पे अपसाइड नहीं बल्कि कहाँ पे अटैच होगा, डाउनसाइड। Now we have glucose, 1-phosphate, जो कि किसके लिए required है, starch biosynthesis। लेकिन starch biosynthesis में simple glucose 1-phosphate भी नहीं चाहिए, पहले glucose 1-phosphate बनेगा, उसके बाद starch biosynthesis की condition है कि आपको यहाँ पे चाहिए sugar nucleotides। और कौन सा न्यूक्लियोटाइड उसके साथ अटैच हो, ग्लूकोज के साथ अटैच होना चाहिए, एडीपी। यानी आपको एडीपी ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट नहीं चाहिए बल्कि एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए, और वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, एडीनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर स्टार्च की बायोसिंथेसिस होगी तो नेक्स्ट एंजाइम आपके पास है जो कि न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा सकता है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एडीपी टू ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइडेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का रिएक्शन करवाता है, इसका रिएक्शन करवाता है न्यूक्लियोटाइड के साथ, और वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। एडीनोसिन अलोंग विद 3-फॉस्फेट। This is ATP and this is glucose 1-phosphate. और जो enzyme जिसने ये reaction catalyze करवाना है, उस enzyme का क्या name है, ATP glucose pyrophosphorylase। यानी ATP में से pyrophosphate निकाल देता है। पाइरोफॉस्फेट मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर टर्मिनल फॉस्फेट अकेला रिलीज हो एटीपी या किसी भी न्यूक्लियोटाइड में से तो उसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। अगर दो फॉस्फेट इस तरह से निकले कि उनके दरमियान फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड अभी हो तो उसे पाइरोफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, सो इस केस में आपका बॉन्ड एक्चुअली यहां से ब्रेक होगा और आपके पास ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इन दी फॉर्म ऑफ पाइरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, और बाकी एडीनोसिन अलोंग विद 1-फॉस्फेट कहां पे अटैच हो जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के साथ। ठीक है, सो पाइरोफॉस्फेट को हम यहां से रिलीज करवा देते हैं। ये पाइरोफॉस्फेट यहां से रिलीज हो गया, और जो पीछे आपके पास स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के पास 1-फॉस्फेट तो पहले से ही लगा हुआ है ना, उस फॉस्फेट को अब इस तरह लिखने की बजाय मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। ठीक है, ये फॉस्फेट पहले से लगा हुआ है, और अब आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आके इनकॉर्पोरेट हो। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास अलोंग विद एडीनोसिन, यानी आपके पूरे एटीपी में से एएमपी यहाँ पे आके लग गया, और जो आपका पाइरोफॉस्फेट था वो अलग हो गया। दिस इज एडीपी ग्लूकोज। बट मैंने लास्ट लेक्चर में एक और पॉइंट बताया था कि ये प्रोसेस यहां तक रुकेगा नहीं, बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इक्वल चांसेस है कि आपके पास जो एडीपी ग्लूकोज बना है वो वापस रिएक्टेंट्स भी बना सकता है।
सो अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है कि इसकी फ्री एनर्जी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। बिकॉज किसी रिएक्शन की डायरेक्शन उसकी फ्री एनर्जी से पता चलती है। अगर फ्री एनर्जी वैल्यू स्मॉल है तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, बट अगर वो लार्ज है तो वो यूनी डायरेक्शन होता है। सो फ्री एनर्जी को बढ़ाने का यहाँ पे सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास पाइरोफॉस्फेट रिलीज हुई है, इसको यहाँ पे ऐसे ना छोड़ा जाए बल्कि इसको फर्दर ब्रेक करवा दिया जाए, क्योंकि इसके ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एड होके इस पूरे प्रोसेस की एनर्जी को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहेगा बल्कि इररिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव अनदर एंजाइम एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम। और ये आप लोग देखिएगा बायोएनर्जेटिक्स या इसके अलावा किसी भी कोर्स में, जहां पे भी आपके पास पाइरोफॉस्फेट रिलीज होता है वहां पे यकीनन पाइरोफॉस्फेटेज रिएक्ट करके उसे ब्रेक जरूर करता है। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में भी ऐसा ही होता है, आपके पास थायमिडीन मेटाबॉलिज्म का जो एक प्रोसेस है उसके अंदर भी ऐसा एक स्टेप आता है। हमने फैटी एसिड की जो थी एक्टिवेशन, उसमें भी ये देखा था फैटी एसिड कोएंजाइम ए का बनना, उसमें भी हमने ये प्रोसेस देखा था। तो जहां पे भी पाइरोफॉस्फेट बनता है उसके साथ पाइरोफॉस्फेटेज एक्ट करके इसको ब्रेक करके दो फॉस्फेट्स को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। सो मैंने यहाँ पे टू फॉस्फेट्स लिख दिए हैं, इट मींस कि आपके पास ये दोनों अलग हो चुके हैं। नाउ ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहले क्या था, पाइरोफॉस्फेट। सो स्टार्च बायोसिंथेसिस में पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ फर्स्ट एंजाइम। देन वी हैव सेकंड एंजाइम एडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज, जिसने इसको कन्वर्ट किया एडीपी ग्लूकोज में। देन वी हैव थर्ड एंजाइम पाइरोफॉस्फेटेज, जिसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस किए। अब होता क्या है कि एक दफा जब एडीपी ग्लूकोज बन जाता है, तो जैसे डीएनए में आप देखते हैं ना कि ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और उसमें आपके 3 प्राइम एंड के ऊपर एटीपीज आगे, सॉरी जो एनटीपीज है वो आगे लगते जाते हैं। यानी डीएनए में पहले एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड और फिर 3 प्राइम एंड पे जो ओएच ग्रुप है उसके साथ आके आपके डीएनटीपीज लगते जाते हैं, याद है ना। उसी तरह से आपके पास जैसे जैसे एडीपी ग्लूकोज बनता जाएगा, जो ग्लूकोज की पहले से सिंथेसाइज्ड चेन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टार्च सिंथेसिस में ये ग्लूकोज है और ये दूसरा ग्लूकोज है, इनके दरमियान ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब होगा क्या कि इसी चेन में आपके पास इसका फोर्थ कार्बन के ऊपर प्रेजेंट OH ग्रुप, यहां पे जो एडीपी ग्लूकोज बना है उसके फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। यानी नेक्स्ट आपके पास अब जो एंजाइम है जिसे स्टार्च सिंथेस, जो कि ग्रोइंग पॉली ग्लूकोज चेन के फोर्थ कार्बन के ऊपर जाके इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन को अटैच करवा देता है और इस प्रोसेस में एडीपी को क्या कर देता है, अलग कर देता। ठीक है, सो अब ये जो ब्लैक कलर में आपका ग्लूकोज है ये आपके अटैच हो जाएगा विद दिस ग्रोइंग चेन और इस प्रोसेस में आपका एडीपी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा एंड दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम स्टार्च सिंथेसिस जो कि एडीपी को अलग कर। ठीक है, इस तरह से एक नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी ऐसे उसकी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट के साथ न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा और उसके बाद वो ग्रोइंग पॉली ग्लूकोज चेन के अंदर ऐड होता है। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपकी ये चेन बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसमें मल्टीपल ग्लूकोज है और सब ग्लूकोज के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? No? अब स्टार्च में जी
ये देखें, आपके पास पहले से एक ग्लूकोज की कुछ हद तक बनी हुई चेन है, ठीक है, जिसे प्राइमर की मदद से बनाया गया है ऑलरेडी। अब ये जो एडीपी ग्लूकोज बना है, इस एडीपी ग्लूकोज में से सिर्फ ग्लूकोज को ये एंजाइम पकड़ के इस चेन में अटैच करवाएगा और एडीपी को अलग कर देगा। यानी एडीपी का पर्पस सिर्फ ग्लूकोज को एक्टिव करना था, एडीपी उस चेन के अंदर ऐड नहीं होगा। जैसे आप लोग जब मॉलिक्यूलर की अगर आप लोगों को याद है तो उसमें भी तो आप यही देखते हो कि एक डीएनटीपी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आता है, लेकिन उसमें से सिर्फ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट इनकॉर्पोरेट होता है, पाइरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपके पास ऐसे ही है कि पूरा जो आपके पास शुगर न्यूक्लियोटाइड आया उसमें से न्यूक्लियोटाइड बाहर रहेगा और शुगर को पकड़ के ये एंजाइम क्या करता है, इस चेन के अंदर ऐड करवा। इसी तरह से दोबारा से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एडीपी ग्लूकोज बन के आएगा तो एक नए ग्लूकोज को इसमें ऐड करा देगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपकी ये जो चेन है ये क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। स्टार्च के स्ट्रक्चर में हम दो बातें करते हैं ना, कि एक आपके पास लीनियर चेन है जिसमें ग्लूकोज अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। सो दिस इज द लीनियर चेन जिसमें ग्लूकोज किस बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, अल्फा 1-4। बट स्टार्च के अंदर अल्फा 1-6 भी तो होता है, ब्रांच पॉइंट्स भी तो होते हैं, ठीक है। सो ब्रांचिंग के लिए वी हैव एन एडिशनल एंजाइम एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज अल्फा 1-6 ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि सपोज ये आपके पास एक अमाइलोज चेन है और यहां पे ये अमाइलोज चेन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। सो एक अमाइलोज चेन में ग्लूकोज, वो ग्लूकोज जिसका कार्बन नंबर 1 फ्री है, हर किसी का फ्री नहीं है, इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका कार्बन 1 इसके 4 के साथ बना रहा है, इसका 1-4 के साथ, बट इसका 1-3 है। तो हमेशा आपकी जो लेफ्ट साइड पे शुगर होती है, सॉरी राइट साइड पे शुगर होती है, उसका एनोमेरिक कार्बन 3 होता है, दैट्स व्हाई हम उस एक्ट को कहते हैं रिड्यूसिंग, ठीक है। सो ब्रांचिंग एंजाइम का ये काम है कि दो अमाइलोज चेन्स को जो एक दूसरे के आमने सामने है उसमें से एक अमाइलोज चेन में कार्बन नंबर 1 और दूसरी अमाइलोज चेन में कार्बन नंबर 6, दिस वन, अगर इस ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट ड्रॉ कर लूं तो ये इसका कार्बन नंबर 6 है ना, और इसका कार्बन नंबर 1 अगर इस तरह से है, एच एंड ओएच इनके दरमियान कंडेंसेशन करवाती है, यहां से ओएच, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो दिस ऑक्सीजन विल एक्ट एज अ ब्रिज और ये बॉन्ड बनेगा, दिस इज अल्फा 1-6 ब्रांच। तो अब जाके आपका स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी आपके पास लीनियर अमाइलोज चेन के साथ साथ अल्फा 1-6 पोजीशन के ऊपर ब्रांच बनाने के लिए भी एक एंजाइम अवेलेबल होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन स्टार्च बायोसिंथेसिस में, ठीक है, ये सिंपल सा पाथवे है। ओके, ब्रांचिंग में क्या होता है कि आपके पास ग्लूकोज की पहले लीनियर चेन्स बनती है, कैसे बनती है वो ये सारा प्रोसेस, ठीक है। अब लीनियर चेन्स बनने के बाद एक चेन दूसरी चेन के बिल्कुल पैरेलल है एंड वी हैव एन एंजाइम जो कि ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ब्रांचिंग वाला एंजाइम एक अमाइलोज चेन का रिड्यूसिंग एंड, यानी वो ग्लूकोज जिसका पहला कार्बन फ्री है उसकी कंडेंसेशन करवाता है दूसरी अमाइलोज चेन में किसी भी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ, ठीक है। सो अब आपके पास जो है वो यहाँ पे अल्फा 1-6 बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गई है। सो स्टार्च का स्ट्रक्चर सिर्फ लीनियर ही नहीं है, अमाइलोज की फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें अमाइलोपेक्टिन भी है, दिस इज अमाइलोपेक्टिन, इज इट क्लियर। इसको एक बार देख लें, उसके बाद आप सुक्रोज बायोसिंथेसिस पे चलते हैं। बच्चों सुक्रोज बायोसिंथेसिस के स्टार्ट वाले कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्टार्च बायोसिंथेसिस जैसे हैं, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो कि प्रोसेस आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ही स्टार्ट होगा।
तो मैं अब ये नहीं बताऊंगी कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कैसे बनेगा, सिंपल आपको पता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पे जैसे ही फॉस्फोग्लूकोमेटेज एक्ट किया तो क्या चीज बन जाएगी, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। सो पहला स्टेप यहाँ पे भी वही होगा, इसको नोट कर लें। मैं स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करूंगी फ्रॉम ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। So we have glucose 1-phosphate, but just like starch biosynthesis, sucrose biosynthesis को भी क्या चीज चाहिए? Sugar nucleotide. यहां पे आपको required था ADP glucose, लेकिन यहां पे आपको required है UDP glucose. इसका मतलब है different nucleotide चाहिए होगा। यहां से हम समझ भी सकते हैं कि क्यों चाहिए होगा, क्योंकि अगर एडीपी ग्लूकोज ही चाहिए होता तो दोनों प्रोसेसेस में कंपटीशन आ सकता था कि ये एडीपी ग्लूकोज स्टार्च बनाएगा या सुक्रोज बनाएगा, ठीक है। सो वो ग्लूकोज जिसने स्टार्च बनानी है उसके साथ एडीपी अटैच हो जाएगा, वो ग्लूकोज जिसने सुक्रोज बनानी है उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, यूडीपी अटैच। सो द वेरी फर्स्ट एंजाइम जस्ट लाइक एडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज, यहाँ पे आपके पास एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज जो के इस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के साथ यूटीपी को क्या करेगा, अब यहां पे आपके पास है एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज। सो अगेन उसी तरह से यहां पे भी आपके पास क्या चीज रिलीज होगी, पाइरोफॉस्फेट, यानी बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक पाइरोफॉस्फेट अलग हो जाएगा, दिस इज पाइरोफॉस्फेट, और पीछे जो आपके पास स्ट्रक्चर है 1-फॉस्फेट अलॉन्ग विथ यूरिडीन, आपकी जो बेस है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी। So this is UDP glucose, ठीक है। अगेन यहाँ पे पाइरोफॉस्फेट है, इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, पाइरोफॉस्फेटेस, ताकि ये रिएक्शन आपका क्या हो सके, यूनिडायरेक्शनल, और पाइरोफॉस्फेट इन दो फॉस्फेट्स के दरमियान बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, एंड वी विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ सुक्रोज एक डायसैकेराइड है, पीछे जो आपने पढ़ा स्टार्च वो पॉलीसैकेराइड था, होमोपॉलीमर, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, इस तरह से आपके पास लॉन्ग पॉली ग्लूकोज चेन बन गई। बट अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज इज अ डायसैकेराइड और इसमें दो शुगर्स होती हैं, कौन कौन सी, एक मिनट, कौन कौन सी शेरली,
आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं सर। मैम सुक्रोज एक डायसैकेराइड्स में कौन कौन सी शुगर्स होती है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। अभी अगर तुम लोग ठीक ना बताते ना तो मैंने यही छोड़ देना था। चलेगा क्या क्या है ये हालात कर रहे हैं सर? परवेज ठीक होते ओके। यूडीपी ग्लूकोज तो आपके पास है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज है आपके पास, बट हमें इसके साथ और क्या चाहिए? फ्रुक्टोज। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि आपको रिक्वायर्ड है सुक्रोज की बायोसिंथेसिस के लिए वो होगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। एंड एंजाइम जो होगा दिस विल बी सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेसिस। नाउ यूडीपी ग्लूकोज के साथ सेकंड क्या चीज रिक्वायर्ड है? अब तो बोल सकते हैं फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। नंबरिंग एक दफा बता देती हूँ। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो दिस इज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। अब मुझे ये बताएं कि जब हमने डायसैकेराइड्स में फ्रुक्टोज और सुक्रोज के दरमियान बॉन्ड पढ़ा था तो हमने सुक्रोज को रिड्यूसिंग शुगर कहा था या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग शुगर कहा था। वेरी गुड। ये किसका कहा रिड्यूसिंग? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का भी अच्छा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से आते हैं। एक मिनट जी। एनोमेरिक कार्बन पे ऐसा क्या है कि वो फ्री होना चाहिए? एनोमेरिक कार्बन होती है दोबारा से कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स एक दफा ना पढ़ लो। आपके पास सुक्रोज जो है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग डायसैकेराइड है और नॉन रिड्यूसिंग डायसैकेराइड्स वो डायसैकेराइड्स होती हैं जिनमें दोनों मोनोसैकेराइड्स के फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल नहीं होते, एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होते। अब अगर आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखो तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे होता है? एल्डोहेक्सोज है ना, तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन है? फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका कार्बन नंबर 1। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे? सेकंड पे। इसका कार्बन नंबर 2 आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। यानी उसका कार्बन 1 एनोमेरिक कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप बेयरिंग कार्बन, और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक कार्बन है। सो ये दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे और फिर कन्वर्ट होंगे किसमें? सुक्रोज। So, इस प्रोसेस के लिए आपके पास जो एंजाइम अवेलेबल है द नेम ऑफ एंजाइम इज सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेस। अच्छा, अब बॉन्ड चूंकि इसका और इसका बनना है तो मैं इस शुगर की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करूंगी, उससे परेशान नहीं होना, रोने भी लग जाना कि ये क्या हो गया। इसकी बजाय मैं इसकी डायरेक्शन इन्वर्ट करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊंगी। सामने लिख देती हूँ, कार्बन नंबर 2 को उस तरफ लेके जाऊंगी क्योंकि बॉन्ड उसने बनाना है। ये हो जाएगा आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है। इस तरह से मैं फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाऊं ताकि ये वाली कार्बन कार्बन नंबर 2 इस कार्बन के साथ क्या कर ले? बॉन्ड बना ले। ठीक है, समझ आ रही है या नहीं? आ रही है ना? पोजीशन चेंज किया, सिर्फ उसको
यहां से रोटेट करके इस तरह करती है, ठीक है। अब इसके कार्बन नंबर टू ने अगर इसके कार्बन नंबर वन के साथ बॉन्ड बनाना है तो वन के ऊपर ये जो पहले से चीजें अटैच है वो अलग होगी, इसका मतलब है यहां से यूडीपी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और यूडीपी के सेपरेट होने के बाद आपके पास बनेगा स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर वन फ्री हुआ फॉर द टाइम बी, तो इस कार्बन नंबर वन के साथ बॉन्ड किसने बनाना है, टू ने। सो यहां से मैं इसको इस तरह से, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है ये सारी चीजें आपको बता, और जो ग्लूकोज के सिक्स कार्बन के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है ना, फ्रुक्टोज के सॉरी, वो ऐसे ही रहेगा अभी। सो ये आपके पास क्या बन गया, सुक्रोज फॉस्फेट, सुक्रोज सिक्स फॉस्फेट, दिस इज सुक्रोज फॉस्फेट सिंपली से, यानी सुक्रोज बन तो गया है लेकिन अभी उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, फॉस्फेट अटैच है। Next, we have another enzyme. यहाँ से आगे चले जाते हैं। And this is sucrose phosphate phosphatase. और phosphatase ने क्या करना है? Yes. So अब ये phosphate यहाँ से remove होगा और आपके पास क्या चीज बन जाएगी? Now this is sucrose जो कि actually non-reducing है। पाथवे के steps एक दफा आप लोगों के सामने sequence में बता देती हूँ। First of all we have glucose 1-phosphate जिसके ऊपर enzyme UDP glucose pyrophosphorylase ने act किया और इसकी condensation करवाई UTP के साथ, ठीक है। UTP में से pyrophosphate अलग कर दिया और जो बाकी आपके पास UFP group था यानी यूरिडीन और साथ में फॉस्फेट, इसको ग्लूकोज के कार्बन वन के साथ लगा दी और उसके कन्वर्ट कर दिया यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन वी हैव सेकंड स्टेप जिसमें पाइरोफॉस्फेटेज ने इस पाइरोफॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। नाउ वी हैव यूडीपी ग्लूकोज बट हमें सिर्फ यूडीपी ग्लूकोज नहीं चाहिए, उसके साथ फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट भी चाहिए। सो नेक्स्ट इन थर्ड स्टेप एक और एंजाइम था जिसने फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट और यूडीपी ग्लूकोज के दरमियान कंडेंसेशन करवाया, इसके कार्बन वन और उसके कार्बन टू के दरमियान बॉन्ड बनाया और इसके कार्बन वन के साथ जो यूडीपी अटैच था उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। दिस एंजाइम इज सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेस, ठीक है, थर्ड स्टेप। एंड देन जो सुक्रोज बना बिकॉज दिस सुक्रोज वाज फॉस्फोराइलेटेड उससे फॉस्फेट हटाने के लिए वी हैव फोर्थ एंजाइम सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज जिसने इस फॉस्फेट को हटा के ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सुक्रोज, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पाथवे जिसके थ्रू हेक्सोजेस जो है वो कन्वर्ट हो सकती है किसमें, सुक्रोज। और आप प्लीज खुदा के बंदो ये चीज याद रखना कि प्लांट में जो स्टार्च है वो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ट्यूबर्स के अंदर, या हमने इससे पहले अमाइलोप्लास्ट पढ़े उसके अंदर वो स्टोर हो जाते हैं,
बट सुक्रोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर जिसमें वो ट्रांसपोर्ट होता है. अगर लीव से स्टेम रूट्स या किसी और जगह ग्लूकोज की सप्लाई होनी है तो किस फॉर्म में होनी है? सुक्रोज. ठीक है, सो फूड की ट्रांसपोर्ट फॉर्म या शुगर की ट्रांसपोर्ट फॉर्म इज सुक्रोज एंड स्टोरेज फॉर्म इज स्टार्च. नाउ सुक्रोज एंड स्टार्च सिंथेसिस की रेगुलेशन बहुत मजे की रेगुलेशन है. और जरा आंखें कान और दिमाग खोल के फिर सब चले ले ले मेरे पास ऊपर के लिए 15 मिनट. ये सबने ड्रॉ कर लिया कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज
1/6 बिस्फॉस्फेट में, ठीक है, और एक दफा फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेट बन गया तो ये बड़े आराम से सेल इसको यूज कर सकता है किस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस में, और वहां से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ गई? ठीक है कि सेल ने अगर एनर्जी या ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करना जरूरी है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो कि इसे कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेट में एंड देन फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेट कहां पे यूज हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। इसके अलावा एक और प्रोसेस भी होता है जो ग्लाइकोलिसिस का बिल्कुल उल्ट है, एनिमल सेल्स में मोस्टली होता है, प्लांट्स में भी होता है, दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। समटाइम्स जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता या हेक्सोजेस अवेलेबल नहीं होती, ग्लूकोनियोजेनेसिस के कुछ एंजाइम्स हमने रीजनरेशन ऑफ केल्विन साइकिल में भी देखे, सो ये मिलते जुलते हैं दोनों, ठीक है। एनिमल सेल्स में जब कभी ग्लूकोज नहीं होता तो वो एक स्ट्रेस कंडीशन होती है बिकॉज हमारी बॉडी में प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज नहीं है तो बॉडी कहती है कि ग्लूकोज बनना चाहिए, चाहे उसके लिए नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स यूज करो, जो मर्जी करो लेकिन ग्लूकोज बनाओ। इसी तरह से हमने केल्विन साइकिल में भी देखा है और अभी भी हमने चेक किया है कि समटाइम्स प्लांट में भी ट्रायोसिस से क्या बन जाता है, हेक्सोजिस, और ट्रायोसिस से हेक्सोजिस बनने के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी होते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास जो है वो फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेट है ट्रायोस फॉस्फेट के बजाय, ये नॉर्मली ट्रायोस फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में जब जाता है तो उसमें ट्रायोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, पहली फेज प्रिपरेटरी फेज और दूसरी जो आपकी है पे ऑफ फेज, उसमें 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब बनेगा और ग्लाइकोलिसिस में जाएगा तो वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, ट्रायोसिस। बट समटाइम्स ट्रायोसिस वापस कन्वर्ट होती है फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यूजिंग एन एंजाइम फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेटेस। ये भी आपने रीजनरेशन में भी पढ़ा ना, जो कि क्या करता है फ्रुक्टोज की फर्स्ट कार्बन से क्या चीज हटा देता है, फॉस्फेट, और ये प्रोसेस तब हो रहा होता है जब आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस में ट्रायोसिस हेक्सोसिस में कन्वर्ट होगी और ग्लाइकोलिसिस में आपकी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगी, ट्रायोसिस। यहां तक समझ आ गई? अब इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के पास सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं है, देयर इज एन अदर एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, सेकेंड एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। काइनेज 1 जो है वो एडिशनल फॉस्फेट लगाता है कार्बन नंबर 1 पे, 6 पे तो पहले लगा हुआ ना, एडिशनल फॉस्फेट लगाता है कार्बन नंबर 1 पे और क्या चीज प्रोड्यूस करता है, फ्रुक्टोज 1/6 बिस्फॉस्फेट। आपका जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है बिल्कुल इसका ही इसके ही जैसा है, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक साइट है वो कार्बन नंबर 2 है। सो इससे जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है, दिस प्रोडक्ट इज फ्रुक्टोज 2/6 बिस्फॉस्फेट। अगर दोबारा कभी सर परवेज ने पूछा कि फ्रुक्टोज 2/6 बिस्फॉस्फेट पड़ा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की पूरी स्टोरी बदल के रख देता है, फ्रुक्टोज 2/6 बिस्फॉस्फेट। और इसे बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, PFK इसी तरह आपके पास
फोर एंजाइम है जो कि सेकंड पोजीशन से फॉस्फेट भी हटा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एफ बी फेज वन, एफ बी फेज वन हम यूज करते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज के लिए, ठीक है। एंड द सेकंड एंजाइम इज फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेटेज, जो कि किस कार्बन से हटाता है फॉस्फेट, कार्बन नंबर 2 से, और इसे कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट को वापस इसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सो ये एक जनरल आपके पास जो है वो रूट है जहां आपका ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जा सकता है। हमने ये पढ़ा ना कि आपके पास पहली हेक्सोज जो बनती है स्ट्रोमा के अंदर वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनती है। एल्डोट्राइओज यानी G3P और कीटोट्राइओज DSAP की कंडेंसेशन के बाद सबसे पहली जो हेक्सोज बनती है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है, जो कि कन्वर्ट होती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और उसके बाद फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। सो जो पहली हेक्सोज है वो कौन सी है, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज के पास सेल में मल्टीपल ऑप्शन, फ्रुक्टोज जो है वो जा सकती है फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के पास में भी अगर ये एंजाइम एक्टिव हुआ, ठीक है। फ्रुक्टोज कन्वर्ट हो सकती है फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट में अगर ये एंजाइम एक्टिव हुआ, ठीक है। फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकती है अगर ये एंजाइम एक्टिव हुआ। सो इट मींस कि देयर इज समथिंग, सम सिग्नल्स रिक्वायर्ड है जो कि इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे और वो एंजाइम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम फ्रुक्टोज ने किस पाथवे में जाना है। हमने अभी फ्रुक्टोज को एक और पाथवे में भी यूज होते हुए देखा, वो पाथवे कौन सा था, सुक्रोज बायोसिंथेसिस, ये इसमें भी जा सकती है। सिमिलरली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट स्टार्च बायोसिंथेसिस में भी जा सकती है यूजिंग द एंजाइम्स जो मैंने अभी बताया है, 3-4 एंजाइम्स। तो आपके पास इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कौन बताएगा कि भाई तुमने इस टाइम इधर जाना है, ये सारी ऑप्शंस तो मैंने आपको बता दी लेकिन उसको बताएगा कौन, डायरेक्ट कौन करेगा कि दिस इज द टाइम टू प्रोड्यूस सुक्रोज एंड स्टार्च या फिर टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, या फिर अपनी इसी कंसेंट्रेशन को मेंटेन। सो वी हैव टू मेजर सिग्नल्स, एक सिग्नल आपके पास आता है लाइट से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको रेगुलेट किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट वन इज लाइट, लाइट का क्या इफेक्ट होगा, जब लाइट रिएक्शन होता है तो हमने ये भी पढ़ा है कि जितना लाइट रिएक्शन होगा उतना डार्क रिएक्शन भी होगा, बिकॉज लाइट एनर्जी केल्विन साइकिल के एंजाइम्स को क्या करती है, एक्टिव करती है। पढ़ाया था ना केल्विन साइकिल की रेगुलेशन में कि लाइट एनर्जी केल्विन साइकिल के एंजाइम्स को एक्टिव करती है। सो जितनी ज्यादा लाइट एनर्जी है उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस, और जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस है उतना ज्यादा 3-फॉस्फोग्लिसरेट और उतना ज्यादा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच इज अ कीटोट्राइओज। यानी लाइट एनर्जी कैसे पता चलेगा कि लाइट एनर्जी में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, केल्विन साइकिल की प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी। स्ट्रोमा के अंदर इन कंपाउंड्स इन मॉलिक्यूल्स का ढेर लगा हुआ होगा बिकॉज उस टाइम पे एक्टिवली फोटोसिंथेसिस हो रही है। सो एंजाइमेटिक रेगुलेशन में मैंने आप लोगों के सामने एलोस्टेरिक रेगुलेशन का जिक्र किया था, याद है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे जाके बाइंड करते हैं और एंजाइम्स को एक्टिव या इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दिस इज एक्चुअली इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम। यानी इस केस में आपका फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट वापस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कन्वर्ट कराने वाले एंजाइम को 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। दूसरी तरफ ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे पीएफके2 का, पीएफके2 को ये क्या कहते हैं, एक्टिव करते हैं।
ठीक है। सो इस केस में आपके पास ये वाला जो रिएक्शन है, यानी इस केस में आपके पास जब लाइट एनर्जी हो रही है, तो लाइट एनर्जी के केस में आपके पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर थ्री फॉस्फोग्लिसरेट एंड डाइहाइड्रोक्सीफॉस्फेट, दे विल इनहिबिट द एंजाइम PFK2। ठीक है, और अगर PFK2 को इनहिबिट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो लाइट रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हो रहा है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे नहीं जा सकता, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लाइट रिएक्शन ने इस प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया या इनहिबिट कर दिया। ठीक है, अब अगर ये प्रोसेस आपके पास इनहिबिट हो गया है, इस केस में क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ज्यादा होगी। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जितनी ज्यादा होगी, उतना ही आपके पास सुक्रोज, स्टार्च बायोसिंथेसिस और डाउनस्ट्रीम पाथवेज चल सकते। ठीक है, बिकॉज दिस फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट इज एन इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इट इज एन इनहिबिटर ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज बायोसिंथेसिस। सो अगर ये इनहिबिटर बनेगा ही नहीं, इनहिबिटर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो बाकी सारे प्रोसेसेस एक्टिवली चलते रहे। ठीक है, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट जो है वो इन प्रोसेसेस को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। सो दैट्स व्हाई लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट सबसे पहले आती है, उसकी फॉर्मेशन के एंजाइम्स को क्या करती है, इनहिबिट करती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड, आप देखते हैं कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जब आपके पास लाइट एनर्जी नहीं होती, जब कंडीशन होती है डार्क वाली। ठीक है, डार्क में आपके पास सुक्रोज या स्टार्च बायोसिंथेसिस नहीं होना। ठीक है, इस केस में आपके पास फर्स्ट एंजाइम जिसको ये टारगेट करती है, दिस इज PFK2, यानी डार्क रिएक्शन सबसे पहले इस एंजाइम को आके क्या करता है, एक्टिव करता है, ताकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सके किसमें, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट में। And actually this fructose 2,6 bisphosphate is the regulator. अगर ये available हुआ तो ये क्या करेगा, inhibit करेगा sucrose and starch biosynthesis को, क्या करेगा, inhibit करेगा। So light reaction में इसकी production बंद हो गई, और dark reaction में इसकी production क्या हो गई, जब dark है, जब photosynthesis नहीं हो रही, तब इसकी production क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ताकि आप ग्लूकोज या हेक्सोसिस जो है वो आगे स्टार्च या सुक्रोज बायोसिंथेसिस में ना जा सके। एक ये स्टेप हो गया। अब जैसे ही आप देखिए फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट बन गया, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट ने क्या करना है, यहां पे जाके एफपी फेज 1 को क्या करना है, ब्लॉक करना है, और पीएफके 1 को एक्टिव करना है। यानी जैसे ही ये कंसंट्रेशन में ज्यादा हुआ, तो एक तरफ तो इसने स्टार्च और इसकी बायोसिंथेसिस को रोक दिया, इस टाइम ये अफोर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इस टाइम ये एक्टिव करेगा किस प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि सेल को किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का आपके पास जो प्रोसेस है, दिस वन, इस प्रोसेस को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ताकि आपकी ट्रायोसिस हेक्सोसिस में कन्वर्ट ना हो सके, क्योंकि इस टाइम हम ट्रायोसिस से हेक्सोसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, उस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स जो है वो सुक्रोज और स्टार्च बायोसिंथेसिस को एक्टिव करेंगे, और जो डार्क कंडीशन है, जब लाइट अवेलेबल नहीं है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तब आपके पास सुक्रोज और स्टार्च बायोसिंथेसिस नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, बिकॉज उस कंडीशन में वी विल हैव अ रेगुलेटर फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, जो कि इन प्रोसेसेस को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। जब तक वो नहीं था, तब तक प्रोसेसेस हो रहे, लेकिन जब ये बनेगा तो तब ये प्रोसेसेस नहीं होंगे। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। सेकंड मैकेनिज्म इज नहीं, वो
उनको बेसिकली होता है कि टू अगर बना तो वो आगे उसको एक्टिव कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि CF फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट के ना होने की वजह से वो एक्टिव तो होता है लेकिन उतना एक्टिव वो होता है लेकिन फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट की प्रेजेंस में सुपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, स्टार्च और सुक्रोज बायोसिंथेसिस का एक सेकंड मैकेनिज्म भी है जिसमें आपके पास एंजाइम सुक्रोज 6 फॉस्फेट सेंथेज अभी पढ़ा ना, सुक्रोज फॉस्फेट सेंथेज एंजाइम यूज होता है। रेगुलेशन में मैंने एलोस्टेरिक रेगुलेशन के साथ साथ कोवलेंट रेगुलेशन की भी बात की थी और आपसे कहा था कि देयर आर सम एंजाइम्स जिनके ऊपर अगर फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाए तो वो या तो एक्टिव हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। नाउ वी हैव एन एंजाइम सुक्रोज 6 फॉस्फेट सेंथेज जो कि अपनी डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये क्या होता है एक्टिव होता है। एक्टिव एंजाइम को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूं, आप लिख भी सकते हो कि दिस इज एक्टिव एंजाइम। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि सुक्रोज कब बननी चाहिए, जब ग्लूकोज अवेलेबल है तभी बननी चाहिए ना, अगर ग्लूकोज नहीं है तो सुक्रोज नहीं बननी चाहिए। सो सबसे पहले आपके पास ये एंजाइम एलोस्टेरिकली एक्टिव होता है, यानी अगर तो आपके पास स्टोमा के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो तब ये एंजाइम क्या होगा एलोस्टेरिकली एक्टिव, और अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो तब ये एंजाइम क्या होगा इनहिबिट, बिकॉज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ये शो कर रही है कि एटीपी कम है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी कंसंट्रेशन में ज्यादा, विच इज एन इंडिकेशन कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस होती तो एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन क्या होनी थी कम होनी थी बिकॉज लाइट रिएक्शन में एटीपी बनते हैं। सो इफ देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सो दिस एंजाइम विल बी एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड, ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है और ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। इस एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और इनहिबिटर के अलावा इस एंजाइम की कोवलेंट मॉडिफिकेशन भी होती है, यानी जब आपको ये एंजाइम एक्टिव चाहिए देयर इज एन एंजाइम एसपीएस काइनेज विच इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट सेंथेज काइनेज। ये एंजाइम क्या करता है कि अगर एंजाइम एक्टिव है उस एंजाइम को इनहिबिट कराने के लिए एक एटीपी यूज करता है और उसका फॉस्फेट ग्रुप इसके इस सीरीन दिस इज सीरीन अमाइनो एसिड उसके ऊपर लगा देता है। सो व्हेन एंजाइम विल बी फॉस्फोराइलेटेड ये क्या हो जाएगा इनहिबिटेड, काम करना छोड़ देगा और इसे इनहिबिट किसने करवाया एसपीएस काइनेज। ठीक है, तब करवाएगा जब ग्लूकोज अवेलेबल है। ठीक है, तब करवाएगा जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा, और जब ग्लूकोज अवेलेबल है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम है तो इस फॉस्फेट को हटाने के लिए एक और एंजाइम है विच इज एसपीएस फॉस्फेटेज जो कि इसमें से क्या निकाल देगा फॉस्फेट और इस इनएक्टिव एंजाइम को वापस क्या कर देगा एक्टिव। ठीक है, सो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है अभी मैंने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ दिस एंजाइम, यानी अगर तो ये होगा तो इसको एक्टिव कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक तो इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, उसके साथ साथ ये एसपीएस काइनेज को भी क्या करता है ब्लॉक करता है ताकि काइनेज इस एक्टिव एंजाइम को इनहिबिट ना कर सके। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने एक तरफ इसको एक्टिव करवाया दूसरी तरफ इसको इनहिबिट होने से भी बचा दिया।
और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एक तरफ इस एंजाइम को एलोस्टेरिकली क्या करता है, इनहिबिट करता है, और जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो इस एंजाइम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है ताकि इनएक्टिव एंजाइम वापस एक्टिव ना हो सके। ठीक है, सो ये दो आपके जो मॉड्यूलेटर्स हैं ये एक्चुअली इन एंजाइम्स की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टली भी उस एंजाइम को, सुक्रोज बनाने वाले एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, और इनडायरेक्टली उस एंजाइम को एक्टिव या उस एंजाइम को इनहिबिट करने वाले एंजाइम्स को भी क्या करते हैं, एक्टिव या इनहिबिट। ठीक है, समझ आया ये? इसमें क्या मुश्किल है? सेल के अंदर पूल होता है एटीपी का, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये पूल कम हो जाएगा, विच इज एन इंडिकेशन के सेल वेल फेड स्टेट। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है एटीपी कम है, और एटीपी कब कम होगी, जब लाइट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन नहीं होने का मतलब है कि आपके पास शुगर ही नहीं है, ग्लूकोज ही नहीं है, तो फिर स्टार्च सुक्रोज कैसे बन सकती है? ठीक है, सो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको इनहिबिट करेगा। आप इसे देखें, वी हैव एन एंजाइम सुक्रोज 6 फॉस्फेट सेंथेस जो कि एक्चुअली सुक्रोज बनाने में यूज होता है। ठीक है, दिस एंजाइम इज एक्टिव इन इट्स डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। ठीक है, और ये एक्टिव कब रहता है, जब ग्लूकोज अवेलेबल होता है, और अगर ग्लूकोज नहीं है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है तो इनहिबिट हो जाता है। ये एक मैकेनिज्म। इसके अलावा इस एंजाइम को एक्टिव और इनहिबिट करने के लिए वी हैव टू रेगुलेटरी एंजाइम्स या टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स। वन इज काइनेज जो कि इस एक्टिव एंजाइम पे फॉस्फेट लगा के उसे इनहिबिट कर सकती है, एंड सेकंड वन इज फॉस्फेटेज जो कि फॉस्फेट को हटा के इसे दोबारा एक्टिव कर सकती है। नाउ बिकॉज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, ये ना सिर्फ इसे डायरेक्टली एक्टिव करता है बल्कि इसे ब्लॉक करने वाली प्रोटीन को भी ब्लॉक करता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एन इनहिबिटर, ये ना सिर्फ डायरेक्टली इसको इनहिबिट करता है बल्कि इसको वापस एक्टिव करने वाली प्रोटीन को भी ब्लॉक करता है, ताकि एंजाइम ओवरऑल क्या रहे, inhibited. Last mechanism is बस हो गया। ओके बच्चों, अब आपके पास जो स्टार्च, इससे पहले मैंने सुक्रोज बायोसिंथेसिस की रेगुलेशन बताई है। स्टार्च की जो बायोसिंथेसिस है उसकी रेगुलेशन के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रेगुलेटरी एंजाइम है, एंड दिस रेगुलेटरी एंजाइम इज एडीपी ग्लूकोज पायरो फॉस्फोराइलेज जो कि एक्चुअली कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अलोंग विद एटीपी, इसे कन्वर्ट करता है एडीपी ग्लूकोज में, और उसके साथ क्या चीज रिलीज करता है, पाइरोफॉस्फेट। ये एंजाइम हमने अभी पढ़ा। इस एंजाइम की अगर तो एक्टिवेशन हो गई तो प्रोसेस चलेगा, और अगर एंजाइम इनहिबिट हो गया तो प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। Now, इसे एक्टिव और इनहिबिट करने के लिए भी फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट एज एन इंड्यूसर या एक्टिवेटर यूज होगी, जो कि इसे बताएगी कि लाइट रिएक्शन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, सो उससे क्या चीज बन जानी चाहिए, स्टार्च बन जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास उसी तरह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, which is an indication, ADP or inorganic phosphate की concentration ज़्यादा है, तो this is an indication कि now ATP concentration is low, light reaction नहीं हो रहा, so ये economical नहीं है कि आप
आप ग्लूकोज से स्टार्च बनाना शुरू करते हो, तो इस टाइम पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस एंजाइम को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। बस इतनी सी बात।